सभी को नमस्कार। आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा और मुंबई से सांसद श्रीमती पूनम महाजन जी हैं, साथ ही में शिवम छाबड़ा जी हैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा, और नेहा जोशी जी हैं राष्ट्रीय को इंचार्ज राष्ट्रीय सह प्रभारी युवा मोर्चा मीडिया। और मेरा नाम रोहित चहल है, अभी मीडिया का राष्ट्रीय प्रभारी हूं। मैं आगे के लिए पूनम महाजन जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। और समय पे शुरुआत होने की हमने शुरुआत की है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे निमंत्रण देना चाहती हूँ कि ये पहला ऐसा एक युवा मोर्चा का बड़ा महाधिवेशन होने जा रहा है। आप जानते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा ये जनता पार्टी से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी के गत 40 साल में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा की एक बलशाली भुजा है। हर वक्त एक नई लीडरशिप को अपकमिंग देखना चाहे या कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते जाएं, तभी हर वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर देखा जाता है। और उस रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा की जब आप टीमें देखते हैं प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय रूप से, वो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा उस रूप से देखा जाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में हर एक प्रदेश और हर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 साल का समय मिलता है मोस्टली, और उस 3 साल के समय में एक राष्ट्रीय अधिवेशन करना उस युवा मोर्चा के अध्यक्ष के हाथ में होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि पहले ही 2 साल में एक राष्ट्रीय अधिवेशन की हमें जिम्मेदारी दी है। और ये राष्ट्रीय अधिवेशन हमने सिर्फ राष्ट्रीय अधिवेशन ना दिखते हुए, यहाँ से हम क्या ले जाएंगे युवाओं के साथ ये दिखाना चाहते हैं। कैन यू गो विद द क्लिप्स। इस राष्ट्रीय अधिवेशन का नाम है विजय लक्ष्य 2019 युवा महाधिवेशन। चलते जाओ कपिल। युवा मोर्चा, मैंने सोचा एक पीपीटी के प्रेजेंटेशन के रूप से आपको दिखाए कि युवा मोर्चा किस रूप से काम कर रहा है और 2 सालों से क्या काम कर रहा है। वी आर द यंग विंग ऑफ बीजेपी विच इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। 25 मिलियन से ज्यादा युवा 29 प्रदेशों में और 7 यूनियन टेरिटरी में, पन्ना प्रमुख तक युवा मोर्चा पूरी तरह से काम कर रहा है और उस रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। युवा मोर्चा के ऑब्जेक्टिव्स आप जानते हैं। युवा मोर्चा हर वक्त कहते हैं कि झंडे और डंडे की राजनीति, जब हर वक्त शुरुआत करनी हो तो भारतीय जनता युवा मोर्चा उस रूप से लेता है और उस रूप से लीडरशिप तैयार होती है और उस लीडरशिप को लेके हम आगे बढ़ते हैं। और चुनाव में हो या चुनाव के पहले हो, युवा मोर्चा के अथक परिश्रम के रूप से, युवाओं के अथक परिश्रम के रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे बढ़ता है। ये लिस्ट है पिछले पूरे 40 साल में, मैंने 1978 से लिया है, क्योंकि देखा जाए तो कलराज मिश्रा जी जनता पार्टी में, जब जनता युवा मोर्चा होता था, उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और उसके बाद सत्यदेव सिंह जी, प्रमोद जी, राजनाथ जी, जेपी नड्डा जी, उमा भारती जी, रामाशीष राय जी, शिवराज सिंह चौहान जी, किशन रेड्डी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित ठाकुर जी और मुझसे पहले अनुराग ठाकुर जी, और 2016 के बाद में ऐसी एक युवा मोर्चा की टीम बनी हुई है। तो देखा जाए तो युवा मोर्चा को लगभग 40 साल हुए हैं उस रूप से युवा मोर्चा काम कर रहा है। गत 2 सालों में युवा मोर्चा ने क्या क्या किया है, तो हमने युवा मोर्चा को सिर्फ राजनीतिक रूप से सीमित ना करते हुए, वी वॉन्टेड टू क्रॉस दैट पेरिफेरी, नॉट पोलिटिकल पार्टी टू अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट, वी वॉन्टेड टू गो बियॉन्ड दैट एंड रीच आउट टू पीपल एंड कनेक्ट विद देम। और उस रूप से युवा मोर्चा में हमने सिर्फ युवा मोर्चा के पदाधिकारी नहीं, तो स्टडी सर्कल की एक व्यवस्था शुरू की, जिससे सारा कॉन्टेंट राइटिंग हो, स्टडी हो, अभ्यास हो, उस रूप से स्टडी सर्कल किया। और हमने अभी पूरे देश भर में स्टडी सर्कल के रूप से हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था। उस इंटर्नशिप से हम बहुत सारे युवाओं से जुड़े और उससे 20,000 युवाओं का, यंग प्रोफेसर्स, यंग प्रोफेशनल्स का डेटा हमने हमारे साथ रखा। उसके साथ हमने एक लीगल सेल की भी शुरुआत की, जहाँ पे अभी भी 150 शहरों में, छोटे और बड़े शहरों में, लीगल सेल से हमने 10,000 लॉयर के साथ हमने एक टाइप किया, जो युवा लॉयर्स हैं पूरे देश भर में। और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को लीगल एड सेंटर हम चालू करते हैं और उसको फेसबुक में भी बहुत प्रमोट करते हैं और लोगों तक जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने एक नई कॉन्सेप्ट भी शुरू की थी बीजेवाईएम की, है बीजेवाईएम डायलॉग। बीजेवाईएम डायलॉग के रूप से बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो सिर्फ राजनीतिक पटल पर, राजनीति के रूप से हम देखते हैं और उसकी चर्चा होती है, समथिंग बियॉन्ड दैट। जैसे हमने 370 धारा हो, उस पर चर्चा करनी हो, तो दूसरे
अलग अलग विचारों के अलग अलग संस्थाओं के लोग लेके आएंगे, हम युवाओं को ले आते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, थर्ड जेंडर पे विषय हो, एलजीबीटी पे विषय हो, ऐसे कई विषय होते हैं कि आके युवा क्या चाहता है एक पॉलिटिकल पार्टी से, एक सिस्टम से। उसमें हमने ट्रिपल तलाक पे बहुत बड़ी चर्चा की थी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उस विषय को लेके हम दिल्ली में एक बीजेवाईएम डायलॉग करते हैं और छोटे छोटे शहरों में जहां जहां वहां के लोग हैं उस रूप से बीजेवाईएम डायलॉग करके एक डायलॉग कनेक्ट करना। सिर्फ वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ना होते, उसके आगे जाके उन युवाओं के साथ जोड़ने के लिए हम काम करते हैं। हमने बीजेवाईएम के रूप से नॉलेज पंचायत भी शुरू की थी 2 महीने पहले। पूरे देश भर में कॉलेजेस में जाके हमने एक नॉलेज पंचायत के रूप से हम कैसे कनेक्ट कर पाए टू यूथ, टू कॉलेज स्टूडेंट्स, उस रूप से कार्यक्रम किया। अर्बन नक्सलिज्म पे युवा मोर्चा के स्टडी सर्कल ने एक बड़ी किताब लिखी हुई है, एक रिसर्च किया हुआ है और बहुत ही जल्द हम उस किताब को भी रिलीज करना चाहते हैं कि कैसे युवाओं पे विचारधारा के रूप से उनको गलत रूप से प्रोत्साहित किया जाता है और किस रूप से कॉलेज से लेके कुछ नक्सल प्रभावित जिलों से लेके कुछ शहरों तक अर्बन नक्सलिज्म कैसा बढ़ रहा है। उसमें एक बहुत अच्छी पॉलिटिकली डिटेल्ड किताब लिखी हुई है। और हमने और एक समर पॉलिटिकल इंटर्नशिप भी किया जो बहुत अच्छे रूप से चला मई और जून में, और हम फिर से एक विंटर इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ये सारे कार्यक्रम जैसे इंटर्नशिप हो ऑनलाइन होते हैं, उसमें डिसाइड किया जाता है कि किस रूप से किस प्रारूप से हम युवाओं के साथ जुड़े। तो सिर्फ कार्यकर्ता टू कार्यकर्ता ना होते हुए जो युवा अपेक्षा करते हैं एक युवा लीडरशिप से, जो कनेक्ट करना चाहते हैं, उन तक भी पहुंचने की हम बहुत कोशिश करते हैं। भारत जोड़ो अभियान हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था जहां पे विचारधारा विविध रूप से जैसे ही चल रही थी, जो भारत तोड़ने की बात करते थे, जो हर वक्त कुछ न कुछ अलग रूप से विचारधारा भारत में लाना चाहते थे, तभी हमने पूरे देश भर में भारत जोड़ो एक बड़ा उपक्रम 1.5 साल पहले किया था। चलो केरला जो 15 दिन का कार्यक्रम था, हर प्रदेशों से युवा मोर्चा की तरफ से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हर एक दिन चलो केरला के रूप से केरला में जुड़े रहते थे। और उसके बाद रैली भी बहुत बड़ी युवा मोर्चा की केरला में हुई थी, केरला के कार्यकर्ताओं के लिए, जिन कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हो रहे, अन्याय हो रहे हैं, उसके लिए। चलो कोलकाता, आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली हुई थी, जहां पे हमारे आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष श्री अमित शाह जी भी आए थे। वो रैली युवा मोर्चा के रूप से हुई थी। हमने कॉलेजेस में अभी अटल युवा महोत्सव भी हम कर रहे हैं, जहां से युवा सिर्फ अटल जी के नाम नहीं तो अटल जी के नाम के अर्थ के रूप से भी अटल रहे अपने विचारों के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने देश के साथ, उस रूप से भी जोड़ने की कोशिश की। कुछ महीनों पहले खेलो भारत ये कार्यक्रम हमने किया था, जहां पे हमने पूरे देश भर में भारत के 5 ऐसे खेलों के साथ, भारतीय मिट्टी से जुड़े हुए खेलों के साथ युवाओं से हम जुड़े। उसकी फिनाले हमने दिल्ली में तालकटोरा गार्डन में की। लगभग 1 लाख युवा खिलाड़ी से जुड़े हुए थे। आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम में संबोधन किया था और बहुत समय बैठ के उन्होंने देखा था कि किस रूप से युवा खिलाड़ी आके इसमें शिरकत ले रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए, और हर वक्त मैं खुद इसको बहुत पर्सनली लेती हूँ, खुद चुनाव क्षेत्र में लड़ती हूँ, इसलिए जब तक युवा ये तय नहीं करेगा कि हाँ मेरा भी हक है, लेकिन मेरे हक के पहले मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि मैं वोटर बनूँ और वोट दूँ, जब तक ये विचार हम सब युवाओं तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो मुझे लगता है हम बीजेवाईएम के रूप से या एक राजनीतिक पार्टी के रूप से वो अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वोटर रजिस्ट्रेशन ये हर वक्त भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक प्रायोरिटी बेस्ड कार्यक्रम रहता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, युवा जब सवाल पूछते हैं, युवा जब जुड़ना चाहते हैं, तो एक जिम्मेदारी के रूप से भी जुड़ना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा लोकतंत्र भी बहुत उम्दा रहे और हम आगे बढ़े। सो मिलेनियम वोटर ड्राइव जो 2018 से 18 साल के हो गए हैं, उन सारे युवाओं तक पहुंच के फॉर्म नंबर 6 जो फर्स्ट टाइम वोटर का फॉर्म होता है, उसकी हमने ऐप भी बनाई है, फॉर्म नंबर 6 भी भरते हैं और हम कॉलेजेस तक जाके युवाओं को वोटर रजिस्ट्रेशन करवाते। अब तक हमने 25 लाख डायरेक्ट युवा मोर्चा के रूप से युवाओं को वोटर बनाया है और ये ऑन गोइंग प्रोसेस के रूप से हम इस कार्यक्रम को हर वक्त जारी रखते हैं। हमारी इच्छा है कि अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी युवा जुड़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल लेवल तक और पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि आपको मदद करें और युवा आके जुड़े और वोटर बने। वी हैव क्रिएटेड अ ब्लड बैंक डायरेक्टरी ऑल्सो, हर स्टेट के लिए हमने अलग बनाई है, हर स्टेट ने उसमें शिरकत की है। पिछले 2 साल में
मैंने एक सौभाग्य मिला कि युवा मोर्चा की जर्नी कैसी रही। एक अध्यक्ष के रूप से पूरा नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, सिर्फ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में नवंबर और दिसंबर में जाऊंगी, लेकिन पूरे भारत का भ्रमण कर चुकी हूं। और एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड के रूप से मैं कहना चाहती हूं, जहां जहां गई हूं ऐसे प्रदेश जहां पे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभी बने हैं और तभी युवा मोर्चा अभी टेक ऑफ कर रहा है, अच्छे रूप से काम कर रहा है, वहां पे भी युवाओं का उत्साह देख के ये मुझे विश्वास हुआ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा एक रूप से लोगों तक पहुंच पाया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी मेरा आखिरी दौरा अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जो फिर से ऐतिहासिक रूप से बहुत ही 3 दिन की बड़ी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी रही और कार्यक्रम रहा। विजय लक्ष्य युवा महाधिवेशन, जिसके लिए मैं आपको आमंत्रण देना चाहती हूं, एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष के कार्यकाल में और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि उन्हें एक महाधिवेशन करने की जिम्मेदारी मिलती है। ये विजय लक्ष्य युवा महाधिवेशन वन ऑफ इट्स काइंड, मैं हर वक्त कहती हूँ ये क्यों है। सबसे पहले ये युवा मोर्चा का महाधिवेशन है जिसमें पहली बार 72,000, मैं आपको सही आंकड़ा दे रही हूँ, 72,000 पूरे देश भर के युवा मोर्चा के मंडल लेवल तक के पदाधिकारीगण इसमें आने वाले हैं, जो मुझे लगता है ऐतिहासिक रूप से युवा मोर्चा के लिए ये नंबर है, जो 3 दिन के लिए 26 की दोपहर से लेकर 28 की शाम तक हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हमारे साथ रहेगा, जहां पे अलग अलग रूप से कार्यक्रम होंगे। एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होगा, जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जैसे देश भर में जिस रूप से सरकारें काम कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, इस रूप से हम और क्या कर सकते हैं, और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन से आने वाले 2019 के समय पे जिस विजय लक्ष्य की हमने शुरुआत की है वो लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं, उस रूप से हम कर रहे हैं। उसमें एक युवा नीति हम सबके सामने लाने वाले हैं, और ये वन ऑफ इट्स काइंड इसलिए भी है, ये पूरा डिजिटल है। पूरी जगह आप जब देखेंगे वहां पे, आप सबको मैं निमंत्रित कर रही हूं परेड ग्राउंड पे, वहां पे पेपरलेस अधिवेशन हम कर रहे हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, कोई कागज पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, हर एक को एक मिस्ड कॉल नंबर दिया जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। वेयर इज दैट नेक्स्ट स्लाइड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है हमारी। उसके साथ हमने डिजिटल एग्जीबिशन सेंटर बनाया है, हर वक्त हर प्रदेश के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर वक्त अपनी पुस्तकें या कुछ अपना कार्यक्रम ले आते कि उन्होंने क्या किया। इस बार हर एक युवा मोर्चा के प्रदेशों को हम LED एग्जीबिशन दे रहे हैं, सो इट हैज टू बी कम्प्लीटली डिजिटल। हमने एक नमो जोन उस जगह पे बनाया हुआ है, उस नमो जोन पे हम पूरी तरह नरेंद्र मोबाइल ऐप किस रूप से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ डू वी कनेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, वहां पे वो रहेगा। एक छोटा उसी नमो जोन में एक मिनी थिएटर हम बना रहे हैं, उस मिनी थिएटर में 150 लोगों की बैठने की क्षमता होगी उसी एग्जीबिशन सेंटर के पास, जो चलो जीते हैं फिल्म देख सकते हैं और अलग अलग फिल्में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस रूप से आगे बढ़ रही है, उस रूप से वो जोन चलता रहेगा। वहां पे हम अलग अलग रूप से एक्टिविटीज कैसी चल रही है, क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इस अधिवेशन को इसलिए भी हम यूनिक कहना चाहते हैं कि ये पहली बार दक्षिण भारत में हो रहा है। युवा मोर्चा का अधिवेशन कभी भी दक्षिण भारत में हुआ नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि पहली बार ये हैदराबाद में अधिवेशन हो रहा है और हमें दक्षिण भारत में अधिवेशन करने का मौका मिला है। हमने ऑनलाइन क्राउड सोर्सिंग आइडियाज भी मांगी हैं। इंटरनेशनल गेस्ट हर एक एम्बेसीज को और काउंसिल जनरल्स को हमने रिक्वेस्ट किया कि आपके जब युवा पदाधिकारीगण वहां पे होते हैं, युवा ऑफिसर्स होते हैं, if they would like to come and see how a political party's youth wing can has a huge national convention, how do we work towards it, us roop se bhi hame mauka mila hai aur bahut sari embassies ne hame confirmation bhi di hai, so we will be having new young leadership from various states and countries to participate in this time. As being a youth wing president and a woman youth wing president, हमने ये कोशिश की है कि महिलाओं का समान participation हो, युवा सिर्फ युवक नहीं तो युवती भी होती हैं और उस रूप से सब साथ में हो। ऐसे सोशल मीडिया के रूप से लाइव ब्रॉडकास्टिंग सब जगह होगी। डेटा सॉफ्टवेयर हमने ऐसा यूज किया है कि सबको QR कोड मिलेगा जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उस QR कोड के रूप से उस डेलीगेट को पता चलेगा उसकी रहने की जगह कहाँ है, उसके खाने की कौन सी जगह है, और हर वक्त उसको मैसेजेस मिलते रहेंगे
कि इस समय पे क्या कार्यक्रम है, आपको कहाँ पहुंचना है, क्या करना है. सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट कम्प्लीटली डिजिटल एंड पेपरलेस, जहां पे हम नए रूप से डिजिटल इंडिया का एक प्रमाण दिखाना चाहते हैं. और हमने ये भी कहा है कि कम इन योर स्टेट अटायर्स, क्योंकि अलग अलग रूप से अलग अलग भाषा, अलग अलग वेश प्रदेश हैं, लेकिन भारत एक दिखाना होगा इस कार्यक्रम में, तो अलग रूप से हमारे सारे युवा आ रहे हैं. तो इस रूप से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम 26, 27, 28 को महाधिवेशन के रूप से हो रहा है. और आदरणीय अमित शाह जी आने वाले हैं. इस महाधिवेशन का उद्घाटन आदरणीय राजनाथ सिंह जी करने वाले हैं. इस महाधिवेशन के लिए नितिन गडकरी जी, निर्मला सीतारमन जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सर्मानंद सोनोवाल जी, देवेंद्र फडणवीस जी, विप्लव कुमार जी, अनुराग ठाकुर जी, जी किशन रेड्डी जी, राम माधव जी, रामलाल जी, हमारे प्रभारी मुरलीधर राव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष अमित ठाकुर जी. हमारी कोशिश रहेगी युवा मोर्चा के सारे पूर्व अध्यक्ष आए या कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हमारे से जुड़े रहे. तो इस रूप से और कन्फर्मेशन आ रही है और ऐसे प्रकार से हमारे पास सारे अलग अलग रूप से गेस्ट आ रहे हैं. और इस युवा मोर्चा की समापन के लिए अधिवेशन के हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी होंगे. और उसी समापन के बाद एक युवाओं की सबसे बड़ी तेलंगाना की फिर से एक ऐतिहासिक रूप से 2,00,000 युवाओं की रैली उसी परेड ग्राउंड पे हम करने जा रहे हैं. तो इस रूप से ये कार्यक्रम आपके सामने मैं रखना चाहती थी और आप दिल्ली रहते, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार निमंत्रित करती हूँ कि आप आए, देखिए कि कैसा युवा मोर्चा इस बार अपने रूप से और अपने अलग ढंग से कार्यक्रम कर रहा है. और विजय लक्ष्य जो 2019 को हम देख रहे हैं, वो युवा मोर्चा अपने पे लेके उस रूप से काम करना चाहता है. धन्यवाद. अगर अगर किसी का कोई प्रश्न है इसलिए मैं आपको बुला रही हूँ कि आइए, हमारा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पढ़िए, तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा. देखिए, राजनीतिक हालात युवाओं से भी जुड़े हुए रहते हैं, तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा. और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, मेयर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन ना रहते हुए उसे हम किस, क्योंकि हमारी पूरी स्टडी सर्कल उस पर काम करेगी. और हम युवा इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को किस रूप से देख रहे हैं और किस प्रकार से देख रहे हैं, समझो भारत भर में इतनी अच्छी योजनाएं आ रही हैं, किस रूप से युवा इसको पहुंचाना चाहता है, आगे आने वाले समय में मेरे बाद युवा क्या करना चाहता है, सो आफ्टर मी हु ऑल्सो एंड वॉट टू बी डन, इस रूप से हम देखना चाहते हैं. और इस रूप से पॉलिटिकल सिचुएशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उस रूप से हम पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पे अभ्यास कर रहे हैं. यस फाइल. आई थिंक केरला चीफ मिनिस्टर हैज मेड केरला द बैटल ग्राउंड फॉर एवरीथिंग सिंस ही इज बिकम द केरला चीफ मिनिस्टर. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. सॉरी जी. चलो, सच्चाई उनके मुंह से सामने आ गई तो ये नसीब, हमें बोलने की जरूरत नहीं, जनता भी यही कहेगी, ये देखना चुनाव के बाद. यस, अमित शाह जी विल बी एड्रेसिंग दिस रैली एंड दिस इज अगेन द फर्स्ट एवर रैली विच तेलंगाना स्टेट यूनिट स्पेशली द युवा मोर्चा हैज प्लान्ड इट फॉर अपकमिंग इलेक्शन. नहीं, अमित शाह जी समापन में रहेंगे, उद्घाटन में आदरणीय राजनाथ सिंह जी रहेंगे. जी प्लीज. मुझे लगता है सब जगह सच्चाई बहुत बाहर निकल रही है. कहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कुछ सच कह रहे हैं, आदरणीय शरद पवार जी कुछ सच कह रहे हैं. अच्छी बात है, सच बोलना अच्छी बात है. महात्मा गांधी जी ने हमें सच बोलना सिखाया, आज वो उसका अनुकरण कर रहे हैं. जी मैं कहना चाहती हूँ कि कन्वेंशनल हर वक्त ये सवाल बहुत होते हैं और हर वक्त कहाँ जाता है रोजगार क्या होता है. आज जिस रूप से सरकार ने अलग अलग योजनाएं निकाली है, आज सिर्फ रोजगार रोजगार 9 से 5 के रूप से रोजगार नहीं होता या उसी रूप से रोजगार नहीं होता. आज रोजगार के आयाम बदले हैं, व्याख्याएं बदली है. और उस रूप से कोई स्वयं रोजगार भी करना चाहता है, कोई और रूप से अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहता है,
कोई रोड कंस्ट्रक्शन में इतने सारे रोडे बन रहे हैं उसके करना चाहता है, तो एक रोजगार सिर्फ रोजगार के रूप से 9 से 5 मुझे यही नौकरी मिले से आज बहुत व्याख्या के रूप से बढ़ गया है। और मैं गर्वित महसूस करती हूँ कि सरकार ने उस रूप से शुरुआत की और उस रूप से स्कीम्स बनाए, तो ये मैं सच कहना चाहती हूँ। Good. I don't think BJYM need this. Our actually parent body is BJP. और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। मैंने इस पे पिछली बार भी कहीं कहा था, हम परिवार के रूप से एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं और कहीं कुछ गलत फहमी हो, कुछ भी हो, तो हर वक्त हम परिवार के रूप से बैठ के ही सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसे गलत चीजें तो आई नहीं, और किसी ने कुछ गलत किया तो उसको दंडित भी करते हैं, पर ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगता है दिस इज द पेरेंट बॉडी। व्हाट मैडम हैज सेड आई डोंट थिंक आई थिंक गुड। दिस ऑथर ऑफ द बुक इन द सेंस मेरे स्टडी सर्कल के हेड यहाँ पे बैठे हुए दिग्विजय सिंह जी, ये पूरी टीम एक साथ बनी हुई है। हर एक चैप्टर हर एक आदमी को दिया गया है और वो उन प्रदेशों में उन जिलों में जाके उन्होंने अभ्यास किया है और उस पर चैप्टर बनाए हैं। सो उसका भी प्रूफ रीडिंग चल रही है और उस रूप से किताब तैयार हो रही है। अच्छा उसने ही बोल दिया। So he has promised us before March, the book will be released. So we'll have a grand opening of that book, and we would like to share this book, how ideologies for breaking India, and how it's been placed in front of youth. That's what we want to look at. मुझे लगता है सारे सवाल हो गए हैं। आप सबको फिर से एक बार मैं निमंत्रित करती हूँ, आप आए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है युवा मोर्चा के लिए, 25 दिनों में एक अच्छा महाधिवेशन करना, और एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है, एक अच्छी पॉजिटिविटी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आपका भी समर्थन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।